वो जो लोग लास्ट सेशन लोग कवर कर रहे थे चार्ज लॉ के बारे में, ठीक है, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्ज लॉ, ठीक, ध्यान देना। सिमिलरली अगर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे, आपके पास अगला प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जो पॉइंट वन से पॉइंट टू जब मूव कर रहे हो, इस पूरे प्रोसेस ड्यूरिंग होल प्रोसेस आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा कॉन्स्टेंट होगा। आपको वॉल्यूम क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग होल प्रोसेस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इसका मतलब डी भी जीरो होगा, यानी किसी भी दो स्मॉल पॉइंट जो छोटे गैप का पॉइंट्स होगा उसके बीच में वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। और अगर हम ज़ूम करें कि मोल कॉन्स्टेंट है, मोल कॉन्स्टेंट मतलब आपका आपका सिस्टम क्या है? क्लोज है। आपका सिस्टम क्या है? क्लोज है, ठीक है। तो पी वी क्लो एन आर टी जब देखोगे तो पी वी क्लो एन आर टी में आपका वी कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, अल्टीमेटली क्या होगा? पी क्लो क्या होगा? एन आर बाई वी, और यहाँ पे टी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एन आर, एन आर बाई वी को आप लिख सकते हो के, तो के इंटू टी हो गया, यानी पी को लिख सकते हो आप के टी, ठीक है। यहाँ पे के कुछ से के सम कांस्टेंट है और के का वैल्यू क्या होगा? एन आर बाई वी। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो के क्या होगा? के घटेगा। के क्या होगा? घटेगा। तो ऐसा देखा गया है कि आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। पी प्रोपोर्शनल टी होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और इसके लिए एक लॉ बोला गया, लॉ का नाम होता है गेल लुजाक लॉ। तो पी इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, अब इस पे कुछ ग्राफ्स हमको डिस्कस करना है। जैसा ग्राफ जस्ट चार्ज लॉ की तरह होगा, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आपके पास वॉल्यूम था और यहाँ पे प्रेशर आ गया है, डिफरेंस इतना ही है। तो आप लोग कुछ ग्राफ फटाफट ड्रॉ करोगे मेरे लिए। तो ग्राफ का सारा पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना है, ग्राफ का सारा पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करना है, बस एक ग्राफ मत ड्रॉ कर देना। जो जो पॉसिबल ग्राफ है, यानी प्रेशर, यानी आपके वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने से जो ग्राफ पे इम्पैक्ट होने वाला है, वो सारा पॉसिबिलिटी को मेरे को दिखाओगे आप, ठीक। तो आप जो ग्राफ ड्रॉ करो, पहला ग्राफ आपका होगा पी वर्सेस टी। एक सेकेंड, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है पहला ग्राफ है P वर्सेस T, सेकेंड ग्राफ आपके पास है लॉन P वर्सेस लॉन T, ठीक है। थर्ड ग्राफ हम बोल सकते हैं पी टी वर्सेस टी स्क्वायर, पी टी वर्सेस टी स्क्वायर। फोर्थ ग्राफ क्या पॉसिबल है? तो पी बाई टी, P by T versus T। फिफ्थ क्या होगा? तो P by T versus versus P। इन पांचों ग्राफ को प्लॉट करो, इन पांचों को प्लॉट करो फास्ट। जब ये सारा ग्राफ बन जाए तो लास्ट एक ग्राफ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके लिए, ग्राफ नंबर सिक्स क्या रहेगा? तो पी वर्सेस आपको ड्रॉ करना है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, पी वर्सेस टी, और यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको लास्ट को प्लॉट करोगे आप, यानी वन टू छः ग्राफ है, छः ग्राफ प्लॉट करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ है जो नया टाइप का थॉट लगे आपको, वो सिक्स नंबर, ठीक है। जिसका ग्राफ सारा बन जाए मेरे को बताना है कि ग्राफ आपका हो चुका है। तो बच्चों लोग, हमको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान देना,
पहला जो ग्राफ था पी वर्सेस क्या था टी था, तो पी वर्सेस टी में ध्यान देना, अगर वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो तो क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होगा एन आर बाई वी, और यहाँ टी होगा क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, इसको हम के लिख सकते हैं तो के टी। अब जैसा ग्राफ कैसा होगा ध्यान देना, तो ऊपर पी है नीचे टी है, क्योंकि पी और टी कभी भी जीरो नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो क्या वो लाइन क्या होगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो लाइन ऐसा पॉसिबल है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो स्लोप क्या होगा घटेगा, तो वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्लोप क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ, हम बात करें सेकंड ग्राफ का, तो सेकंड ग्राफ क्या था, वो सेकंड ग्राफ था लॉन पी वर्सेस, ये हो गया आपका पी वर्सेस टी का, अगला ग्राफ था लॉन पी वर्सेस लॉन टी का, आपको पता है पी इक्वल टू क्या है के टी है, लॉन लो तो लॉन पी लॉन टी प्लस लॉन के हो जाएगा। इसका ग्राफ भी देखोगे इसमें तीन अलग सिचुएशन पॉसिबल है, कि अगर के का वैल्यू वन होगा तो चूंकि स्लोप इसका वन है टेन थीटा 45 है, तो के का वैल्यू अगर वन हो तो लॉन के जीरो, इंटरसेप्ट क्या हो जीरो होगा, तो आपका लॉन लाइन पास करेगा ओरिजिन से, चूंकि देखो लॉन पी और लॉन टी निगेटिव पॉसिबल है, इसलिए ये लाइन हर जगह जा सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि के का वैल्यू वन से छोटा होगा लॉन के नेगेटिव होगा, और के का वैल्यू अगर वन से बड़ा होगा तो लॉन के क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आप। लॉन पी तो के ग्रेटर देन वन, के इक्वल टू वन एंड के लेस देन वन, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये था लॉन पी वर्सेस लॉन टी का ग्राफ। इसी में अगर हम अगला ग्राफ बात करें हम लोग कि पी टी वर्सेस के टी स्क्वायर, पीटी वर्सेस के टी स्क्वायर, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर पास क्या है पी इक्वल टू के टी है, आप क्या करोगे दोनों में टी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप वाई मान लो, इसको आप एक्स मान लो, तो ये लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसमें भी क्या होगा, तो ओरिजिन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर से नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज ड्रॉ किए हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो स्लोप घटते जाएगा, स्लोप के है ना, तो के का वैल्यू क्या होता है वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये हो जाएगा आपका पी टी वर्सेस के टी स्क्वायर, ठीक। अगर बात कर रहे हैं हमको पी बाई टी वर्सेस टी एंड पी बाई टी वर्सेस, अगर हम पी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ध्यान देना पी बाई टी का जो वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो पी बाई टी का वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा पी बाई टी वर्सेस, अगर हम टी का बात कर रहे हैं तो लाइन ऐसा बनेगा, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और वॉल्यूम वी वन पे है, वॉल्यूम वी टू पे लाइन और नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाने से आपका कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा घटेगा। सिमिलरली अगर पी टी वर्सेस पी बाई टी वर्सेस टी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट का वैल्यू है, अगर हम बढ़ाते हैं वॉल्यूम, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लाइन क्या होगा नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे अपने पास लास्ट ग्राफ बचा हुआ है पी वर्सेस टी डिग्री, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो क्या होगा, इन लास्ट जो ग्राफ नंबर 6 है वो बचा हुआ आपके पास, ठीक है। तो ग्राफ नंबर 6 का हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ग्राफ है ध्यान देना, कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में कैसा ग्राफ होगा, तो आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है के टी, और यहाँ जो टी होता है ये होता है केल्विन स्केल का टेम्परेचर, तो अगर हम इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा के, और टी को हम लिख सकते हैं 273.15,
प्लस स्मॉल टी लिख सकते हैं। अब के को अंदर ले ले, के को आप अंदर ले ले तो क्या हो जाएगा, पी को लो क्या हो जाएगा 273.15। ठीक है, ये होगा के और प्लस टी इन टू के होगा। फिर से इसको अरेंज कर रहे हैं तो पी को लो क्या होगा, पी को लो होगा के टी प्लस 273.15 इंटू के। तो अगर पी को वाई मानोगे, पी आपका वाई की तरह होगा और टी आपका एक्स की तरह होगा, तो पी वाई हो गया और टी एक्स हो गया, तो के क्या होगा, के हो गया स्लोप एम हो गया और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट यानी सी हो गया। अब ध्यान देना, क्योंकि के का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं जो के है, के क्या होता है, एन आर बाई बी होता है। तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो के क्या होगा, के होगा घटेगा। और आप ध्यान देना जो के कहाँ कहाँ है, तो के इंटरसेप्ट में है, सी है। तो अगर आप चीज़ ध्यान देना कि सी है 273.15 इंटू के है, तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और स्लोप क्या है, तो स्लोप है के। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने का इम्पैक्ट दोनों में दिखेगा, हमको सी में भी दिखेगा और के में भी दिखेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, आपका सी भी घटेगा और आपका के भी घटेगा यानी स्लोप भी घटेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, आपका स्लोप भी घटेगा, आपका इंटरसेप्ट भी घटेगा। ये चीज़ ध्यान दोगे। अब ध्यान देना, तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें इस चीज़ को, तो ऐसा कुछ होगा। आपके पास क्या है, पी इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू क्या है, के टी है प्लस 273.15 इंटू सी था, इंटू के था। ऊपर अगर P रहेगा और नीचे अगर T रहेगा, इसमें स्लोप देखो, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हम, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया और ये हो गया स्लोप का वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों चीज़ होगा, आपका इंटरसेप्ट भी घटेगा, आपका इंटरसेप्ट भी कमेगा और स्लोप भी कमेगा। स्लोप कमने का मतलब क्या, लाइन थोड़ा नीचे ऐसे खिसकेगा। स्लोप घटने का मतलब क्या, लाइन थोड़ा टिल्ट करेगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और इंटरसेप्ट घटने का मतलब क्या है, आपका जो वाई एक्सिस पे जो कटिंग पॉइंट है वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो दोनों काम होगा, आपका जो लाइन है टुवर्ड्स एक्स की तरफ मूव करेगा और आपका इंटरसेप्ट भी नीचे की तरफ खिसकेगा। दोस्तों हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो अगर ऊपर वाला वॉल्यूम वी वन हो, नीचे वाला वॉल्यूम वी टू हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट भी घटा दिख रहा होगा यहाँ पे और आपका स्लोप भी घटा होगा, एंगल भी घटा होगा। ठीक है, दोनों का इम्पैक्ट आपको समझ में आ चुका है, दोनों का इम्पैक्ट आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ध्यान देना, डाल्टन्स लॉ वैलिड किसके लिए है, बोला गया है कि डाल्टन्स जो हम लोग सीखेंगे तो ये वैलिड होता है फॉर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। यानी अगर गैस टाइप आइडियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यानी जब भी गैसेस मिक्सचर में रिएक्शन होगा वहाँ पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी अगर बोल रहे हैं कि H2Cl2 गैस ले लिए और ये दोनों रिएक्ट करके ऐसा बन जा रहा है HCl बन जा रहा है, तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई मत करना। फॉर एग्जाम्पल इवन देखो, अमोनिया गैस है और HCl गैस है, दोनों गैस रिएक्ट कर क्या बनाता है, H4Cl। इस तरह का गैस अगर मिल जाएगा तो आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई मत करना। यानी डाल्टन्स लॉ इस टाइप के गैस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है जो आपस में रिएक्ट कर जाएगा। डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल किसके लिए है, डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल होता है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस। यानी आपका गैसेस क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए, उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक, तो ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। तो यहाँ पर अगर आपका जो गैसेस है अगर रिएक्टिव दिखेगा, गैसेस अगर रिएक्टिव दिखेगा तो वहाँ पर आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई मत करना, वहाँ पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई मत करना। ठीक, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कि आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास तीन गैस है ए बी सी, यहाँ पे देखो लिखा होगा वेसल में। ठीक है,
तीन गैस है तो हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा, हर गैस का अपना एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना, ठीक है। तो हम बोल रहे कि सेटों का सिस्टम का जो वॉल्यूम भी लिया गया है। अच्छी एक चीज ध्यान देना, अगर हम बोलें कि गैस यहाँ पे सिस्टम में तीन गैस है, ठीक है, ए बी सी, और पूरे सिस्टम का वॉल्यूम भी लिया हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि गैस ए का वॉल्यूम क्या होगा, तो गैस हमेशा पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो बोलेंगे वॉल्यूम ए क्या होगा, तो बोलोगे भी, बोलेंगे वॉल्यूम बी क्या होगा, तो बोलोगे भी, वॉल्यूम सी क्या होगा, तो बोलोगे भी। यानी सारा गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम बी है वो तीनों गैस के लिए बटेगा, यानी उसको डिवाइड करेंगे, नहीं, सारा गैस सेम यानी पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इसी ध्यान देना आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, तो तीनों चूंकि आइडियल गैस है तो आपस में इंटरेक्ट करेगा नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं, आइडियल गैस का जंक्शन क्या था, देयर इज नो इंटरेक्शन अमोंग पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, देयर इज नो इंटरेक्शन अमोंग पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस, ठीक। तो अगर इसको अगर आप सोच रहे हो तो ध्यान देना, यानी ए बी सी तीन गैस है, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो ए का जो प्रेशर हो ए का प्रेशर होगा, बी का प्रेशर होगा, सी अपना यानी ए अपना प्रेशर बनाएगा, बी अपना प्रेशर बनाएगा, सी अपना प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तीनों को आपस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पी ए का प्रेशर अपना होगा, पी बी का अपना होगा, पी सी का अपना होगा, इससे कोई किसी भी गैस को दूसरे गैस के पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, इवन अपने गैस के पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, हर पार्टिकल अपना एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है, ठीक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि तीनों का प्रेशर को ऐड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा पी टोटल। तो पी टोटल क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर का सम, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, इंडिविजुअल प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो ध्यान ना, हम गैस ए के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो पी ए इंटू बी इक्वल टू एन ए आर टी, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन ना पी बी इक्वल एन आर टी, तो पी बी इक्वल एन आर टी में हम अगर गैस ए के लिए अप्लाई करते तो जो प्रेशर होगा वो गैस ए का हो जाएगा, और गैस ए का जो वॉल्यूम होता वो पूरा वॉल्यूम होता तो वी लिख दिए हैं, ठीक है। और जो गैस का ए का जो मोल होगा उसके लिए एन लिखा गया है, तो पी ए इंटू वी इक्वल टू एन ए आर टी, यानी गैस ए के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, गैस बी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, गैस सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी के लिए हम अप्लाई कर दिए, अब हम टोटल गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टोटल गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो आपका जो पी होगा, पी क्या होगा, पी टोटल होगा, और मोल क्या होगा, मोल टोटल होगा, तो पी टी इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, एन टी मोल टोटल आर टी होगा। तो आपके पास चार इक्वेशन बना दिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, फर्स्ट को फोर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को फोर से डिवाइड करते हैं, यानी डिवीजन किसका कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया फोर से, तो आपका आर टी आर टी कैंसिल हो गया, वी भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पी ए बाई पी टी इक्वल टू मोल ऑफ ए बाई मोल टी, मोल टोटल, मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी ए बाई पी टी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए क्या होगा, पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी लिख सकते हैं, यानी गैस ए का जो प्रेशर होगा, गैस ए का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो टोटल टोटल प्रेशर को आप मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, किसका, गैस ए का, तो आपको पार्शियल यानी ए का प्रेशर मिल जाएगा, ए का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अब ए का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो ए का मोल फ्रैक्शन को पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ए का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ए के पार्शियल प्रेशर को निकालना है, आप टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए के मोल फ्रैक्शन से, ए के मोल फ्रैक्शन से, तो आपको मिल जाएगा पी ए,
का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली पीवी का वैल्यू निकालना हो तो पीवी के लिए भी क्या होगा जी, पीवी के लिए क्या करोगे आप, पी टू को मल्टीप्लाई करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से, पी सी के लिए क्या करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी को मल्टीप्लाई करोगे पी टी से। यानी सिंपल सा मत है, किसी भी गैस का आपको प्रेशर चाहिए यानी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो क्या करना है, पी टोटल को उस गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ का लॉजिक समझ में आया आप लोगों को, अब ध्यान देना कभी कभी बोलते हैं उनको पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना होता है, तो ध्यान देना आपको पता है कि पी ए में क्या होगा, पी ए क्या होता है मोल ऑफ ए बाय मोल टोटल इंटू पी टी, ये होता है ना, इसको आप लिखते हो एक्सेल लिखते हो और पी टी लिखते हो। तो अगर मान लेते हैं तो देखो पी, अगर आप किसी सिस्टम को हम फोकस कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए क्या होगा, पी टी कॉन्स्टेंट होगा, पी टी कॉन्स्टेंट होगा और मोल्टी भी क्या कॉन्स्टेंट होगा। अगर कोई सिस्टम फिक्स कर दे, अगर ए बी सी है तो इसका पी टी क्या होगा, पी टी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होगा और आपका मोल टोटल भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होगा, ठीक है। और कोई सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस गैस को ऐड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम क्लोज रहेगा तो आपको आपका जो टोटल प्रेशर है और टोटल मोल क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं जो गैस का जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा उसका मोल के। तो अगर बोलते हैं यानी गैस का प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होगा पी ए, यहाँ लिखा होगा पी ए इज टू पी इज टू पी टी, पी बी इज टू पी सी का रेशियो होगा उसके मोल के रेशियो के इक्वलेंट होगा, ठीक है। क्योंकि किस रेशियो में पी और पी एन टी क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबके लिए कॉमन रहेगा ना, पी बी के लिए भी रहेगा सेम रहेगा, पी सी के लिए सेम रहेगा, बस मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी मोल ऑफ सी बस चेंज करने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर पार्शियल प्रेशर अगर तुम रेशियो लोगे तो मोलर रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अगर कोई भी बोला जाए कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा तो बहुत बहुत सिंपल होगा, पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या करोगे आप, मोल के रेशियो का पार्शियल आपसे पूछेगा कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या है, आप क्या करना आप मोल का रेशियो निकाल देना, ठीक है। इवन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि हमको पी ए का रेशियो इज टू पी टी निकालना, हमको मान लेते हैं तो पी ए के लिए होगा मोल ऑफ ए और इसके लिए हो जाएगा मोल टोटल, ठीक है। अगर आपसे बोला कि नहीं पीवी का रेशियो निकालना पीटी के साथ तो पीवी के लिए मोल क्या होगा, मोल ऑफ बी हो जाएगा और पीटी के लिए क्या होगा, मोल क्या हो जाएगा, मोल टोटल हो जाएगा। यानी बस मोल पता रहेगा ना तो आप रेशियो किसी भी प्रेशर का निकाल सकते हो। और इसे बेस्ट क्वेश्चन आता है आपके जेड वन से क्वेश्चन आता है, वो दिखाएंगे इसको आपको, ठीक है। अब ध्यान देना अगर मान लेते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिगर बना के दिया हुआ है कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, इस वॉल्यूम कांस्टेंट में हम मेरे पास तीन गैस है, ए बी सी गैस है, तो ए बी सी गैस का अपना कुछ प्रेशर होगा, पी ए होगा इसका, पी बी होगा और इसका पी सी होगा। अगर बोला गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे और बाकी फैक्टर हम चेंज नहीं करें, बाकी फैक्टर रिमेन कांस्टेंट और एक नया गैस हम डी ऐड कर दिए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम ये बोला गया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप एक गैस डी को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि डी के ऐड करने से, चूंकि आइडियल गैस आपस में इंटरेक्ट तो करता नहीं है, चूंकि आइडियल गैस आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ये डी जो है ये ए और बी और सी को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ए इट डज नॉट अफेक्ट ए बी सी, ठीक है। ए बी सी अफेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, पी ए पी बी पी सी क्या होगा, रिमेन सेम, यानी जो पार्शियल प्रेशर है ए बी सी का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। बट जो डी गैस तुम डाले हो, डी गैस का अपना एक प्रेशर नया प्रेशर बिल्ड करेगा, तो डी के लिए पी डी एक नया प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये बोला कि बट प्रेशर ऑफ डी बिल्ड होगा, ठीक। अब प्रेशर ऑफ डी बिल्ड होगा तो पी टोटल में क्या होगा, तो पी टोटल में जो पहले पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी था उसमें एक पी डी और ऐड हो जाएगा, मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी वाला जो फैक्टर था उसमें एक नया पी डी ऐड हो जाएगा। पी डी ऐड होगा तो क्या होगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, चलो तो टोटल प्रेशर फिर इंक्रीज करेगा, तो टोटल प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना
सिस्टम में वाटर वेपर हमेशा मौजूद होता है, सिस्टम में हमेशा वाटर वेपर मौजूद होता है। तो वाटर वेपर हर हर जो जो गैसेस पार्टिकल हो उसका अपना एक प्रेशर होता है। तो वाटर जो होता है, वाटर का लिक्विड एंड वेपर फॉर्म दोनों होता है, ठीक है। यानी हर जगह कहीं ना कहीं वाटर वेपर हो सकता है। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसको बोला गया है केमिस्ट्री में एक्वस टेंशन। क्या बोला गया है? एक्वस टेंशन, ठीक है। और जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन टी, यानी जो एक्वस टेंशन है उस वेपर प्रेशर का ही एक और नाम है एक्वस टेंशन, यानी इसी को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। और जो एक्वस टेंशन का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। तो मान ले यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में लिक्विड है और यहाँ पे गैस है। तो इसका हम KP लिखेंगे, तो KP इक्वल टू बस प्रेशर किसका होगा? गैस का होगा। तो KP इक्वल टू क्या आ जाएगा? KP इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2O, प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे नीचे में एक इक्वेशन दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। तो लॉग KP2 बाई KP1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R 1/T1 / 1/T2 होगा। और KP2 के बदले क्या ले सकते हैं? P2 यानी प्रेशर 2, और KP1 के पास ले सकते हैं प्रेशर एट 1, यानी वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से हम लिंक कर सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपका वाटर का वेपर प्रेशर या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है उस इक्वेशन से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। इसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है ये होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे डेल्टा एच होगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और आर क्या होगा? गैस कॉन्स्टेंट। आर का वैल्यू लेना 8.314 अगर डेल्टा एच का वैल्यू होगा जूल में, ठीक है। डेल्टा एच का वैल्यू होगा अगर कैलोरी में, आर लेना 2, आर लेना 2, ठीक। अब इसका इसका यूज ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर नहीं करने वाले हैं, तो बस रिलेशन था, बस बता दिए कि वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किस तरह से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं सिस्टम में कोई अगर ए है, कोई एक गैस ए है, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन का वैल्यू दिया रहेगा, एक्वस टेंशन का वैल्यू दिया रहेगा, एटी मतलब एक्वस टेंशन, इसका मतलब कि सिस्टम में वाटर वेपर भी होगा। अगर एक्वस टेंशन लिखा हो मतलब वाटर वेपर भी होगा। तो हम बात अगर बोलेंगे कि एक गैस ए है और एक्वस टेंशन कुछ दिया होगा, तो पी टोटल का जो वैल्यू जो पी दिया होगा वो पी टोटल होगा, इसके अंदर प्रेशर ऑफ ए होगा प्लस प्रेशर ऑफ वाटर होगा। और प्रेशर ऑफ वाटर का क्या नाम होता है? एक्वस टेंशन। यानी जो पी टी है, पी टी का क्या होगा? पी ए प्लस एक्वस टेंशन, ठीक है। तो पी ए क्या होगा? तो अगर हम गैस एक ए का प्रेशर निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? पी टोटल से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जब भी एक्वस टेंशन का वैल्यू दिया रहेगा और अगर हमको गैस का प्रेशर निकालना होगा तो क्या करेंगे? पी टोटल में से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके साथ हम लोग हमारा डाल्टन्स लॉ खत्म होता है, ठीक। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हो फटाफट से करेंगे तुरंत। तो ध्यान, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन कि आपके सिस्टम में हीलियम गैस है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है, H2CH4N2। हाइड्रोजन का 2 मोल लिया हुआ है, नाइट्रोजन का 2 मोल लिया हुआ है, और मीथेन का 1 मोल लिया हुआ है। बोला है कि इनका पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा? H2N2 और CH4 का पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा? तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जो मोल है उसी का रेशियो होगा पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो मोल 2:2:1 है तो क्या होगा? सर रेशियो ले लेंगे, वही हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर का रेशियो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था उसको यहाँ हम लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दिया CH4 है और हाइड्रोजन है। बोला है कि 50% दोनों वेट बाई वेट है, ठीक है। दोनों का वेट बाई वेट 50% है, तो हमको निकालना है प्रेशर ऑफ CH4 इज टू प्रेशर ऑफ H2 का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? दोनों का वेट चूंकि इक्वल माना गया है तो हम क्या मानेंगे कि चूंकि मीथेन का मोल मास 16 होता है और हाइड्रोजन का मोल मास 2 होता है, और दोनों का एलसीएम 16 ही हो जाएगा, तो हमें जूम करेंगे कि दोनों का वेट को 16:16 मान ले। तो 16 ग्राम मीथेन होगा और 16 ग्राम हाइड्रोजन होगा मान लेते हैं हम। उस केस में मोल क्या होगा जी? तो मीथेन का मोल हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा 8, ठीक है। यानी जो मोलर रेशियो होगा 1:8 होगा, तो जो मोलर रेशियो होगा वही होगा उसके पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो
रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:1:8 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि हमको निकालना है पी ऑफ एस टू वर्सेज पी टी निकालना है, यानी एस टू और पी टोटल का रेशियो निकालना है, एस टू का मोल कितना 8 है और टोटल मोल कितना 9 है, तो 8:9 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8:9 इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो सेशन को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ।